किसको टोपी देता, कौन किसको धोखा देता, कौन चोर कौन है साधु, कौन है सच्चा कौन है झूठा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, सच्ची बातें कहानी में लिपटा, खुशियों की स्वागत लेकर हंसी का तोहफा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। ऐसा चरित्र बड़ा ही विचित्र, ठुमक ठुमक कर कर देखो नृत्य। ऐसा चरित्र कानों से सुनो जरा, छुप छुप सोचो जरा, आंखों से देखो जरा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। सचमुच गोपाल, मैं तुम्हें जितना ही देखता हूँ उतना ही आश्चर्य होता हूँ। क्यों महाराज, आश्चर्य क्यों हो जाते हैं? मैं कोई महल हूँ या अजूबा कि न कोई समाधि? मतलब मैं कोई शिल्पकार हूँ क्या जिसे देखकर आश्चर्य हो जाते हैं? सचमुच गोपाल, तुम बड़े दो मुँह हो। सच बात यह है कि स्पष्ट बात कहने से आदमी दो मुआ हो जाता है, समझे? देखो गोपाल, मुंह संभाल करके बात करोगे। आँख मत दिखाना, बिल्कुल आँख मत दिखाना। आहा, फिर से शुरू हो गए तुम लोग। झगड़ा तो वही शुरू किया पहले। मैं शुरू किया न क्या, पहले तो तुम शुरू हुए। आहा, कहाँ चैत बैशाख के महीने में हवा का आनंद लेंगे और यह आपस में दो कहानियाँ कहते, कचर मचर मचर कचर काले हाथी जैसे शुरू हो गए हैं। क्या करें, सचमुच तुम लोग भी ना। तो हाँ, क्या बोलना चाहता था मैं? वही महाराज, आश्चर्य होने वाली बात। सचमुच इतनी बुद्धि कहाँ से पा गए गोपाल, तुम जानने की खूब इच्छा है। बहुत लंबी कहानी है, बोलने में समय लगेगा। समय लगे फिर भी मैं सुनूंगा। अबू चंद्र, क्या बोलते हो? जरूर जरूर महाराज, गोपाल की बुद्धि पाने की बात मैं जरूर सुनना चाहूँगा। गोपाल शुरू करो शुरू करो। ठीक है तो सुनिए, बहुत समय पहले की बात है, मैं तब छोटा था, विद्यालय में पढ़ने लिखने जाता था। क्या पढ़े बोलो तो, काकस्य परवेदना किसे कहते हैं बताओ तो। मास्टर जी ये मुझे काकस्य परवेदना बताओ। मछली कहाँ से सांस लेती है? मछली सांस पूछ लेती है। मछली कहाँ से सांस लेती है? वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, खड़े हो जाओ। अरे रोहन, गोपाल नहीं आया, स्कूल के बहाने कहीं गया ना क्या? हाँ मास्टर जी, आना तो दूर की बात है, दो दिन उसे दिखा ही नहीं। हाँ मास्टर जी। क्या बोल रहे हो, उसके घर कोई बीमार पड़ गया ना क्या? नहीं, छुट्टी के बाद गोपाल के घर जाना पड़ेगा। मास्टर जी आज थोड़ा जल्दी छुट्टी देंगे। आज क्यों? आज ना रावणगढ़ में रामलीला चल रहा है, देखने जाऊंगा। ठीक है, आज जा रहे हो जाओ, लेकिन सावधान, कल कोई अगर अनुपस्थित रहा या पाठ याद नहीं किए तब तुम लोगों के सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति है। हाँ हाँ मास्टर जी, कल हम जरूर पढ़ा याद करके पाठशाला आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है अब जाओ। नहीं मैं भी चलूं गोपाल का पता लगाने।
मैं रावण हूँ, त्रिलोक मेरे नाम से कांपता है। तुम एक सामान्य स्त्री हो, ज्यादा इधर उधर करोगी तो लंका उठा कर ले जाऊंगा। तुम क्या मेरे ससुर हो जो तुम मुझे लंका उठा कर ले जाओगे? अरे वह तो गोपाल लगता है विद्यालय छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है, जाकर देखूँ तो? मुझे तुम्हारा पति मारेगा। उसके आगे ही मैं उसे मार डालूंगा। छोड़ छोड़ छोड़, मेरा कान दुख रहा है, छोड़ छोड़। दुख रहा है अभी दुख रहा है। बोलो, 3 दिन कहाँ थे, विद्यालय क्यों नहीं गया? सच सच बताओ, नहीं तो डंडा डंडा मार कर तुम्हारा चमड़ा उधेड़ दूं। बोलता हूँ। विगत परसों तो शुक्रवार था, पंजिका में लिखा था शुक्रवार को आंधी तूफान बरसात भूकंप ये सब आने वाले हैं गुरुजी। घर से कोई बुलाकर के मारे मैं विद्यालय नहीं गया। अच्छा, कल क्या हुआ था? पड़ोस की चाची मर गई थी। पिताजी बोले चाची तुम्हें अपना बच्चा मानती थी, आज विद्यालय मत जाओ। उसके आत्मा की शांति के लिए ही हम लोग शोक पालन किए थे। ओ, समझ गया। और आज क्या हुआ? कल रात में भगवान श्री रामचंद्र दर्शन देकर तुम्हें यहाँ रावण बंद देखने के लिए बोले, इसलिए विद्यालय नहीं आया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब? चुप शैतान, तुम्हारी शैतानी मैं नहीं समझता हूँ। और इसी छाता से पीट पीट कर। अरे बाप रे। जिधर भी देखता हूँ चारों ओर नरमुंड दिखाई दे रहा है, सब मोती जैसे सफेद। ऐसा लगता है चारों ओर संगमरमर की गोलियाँ बिखरी है। उन्हें देखकर शरीर के रोए खड़े हो जा रहे हैं। उसके बावजूद भी बहादुरी के साथ आगे बढ़ते जाऊंगा। अजीब दृश्य है, अस्पष्ट नहीं, धुंधला सा। कोई हाथ हिलाकर मुझे बुला रहा है, ऐसा ही लगता है। आओ, थोड़ा पास आओ, और पास आओ, आओ, और पास आओ। नरमुंडों के जाने के बाद मैं चुपचाप खड़ा हो गया और उसी समय सुनाई दिया ओम ध्वनि। लग रहा है वह ध्वनि बहुत दूर से आ रही है। नहीं, इस बात का पता लगाना होगा। वैसे तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। उस ध्वनि की आवाज़ सुनकर मैं ध्वनि का पता लगाने के लिए उसी ओर जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद देखता हूँ एक विचित्र घटना। एक सन्यासी चिता के ऊपर ध्यान मग्न था। उसे चारों ओर से घेर कर कंकाल नृत्य कर रहे थे। फिर भी मैं निर्भय होकर साधु की ओर बढ़ता गया। अचानक साधु की आंखें खुली, उसकी दोनों आंखें अग्नि कुंड के समान लग रही थी। धीरे धीरे उसके आंखों की ज्वाला शांत हो गई। हसमुख शरीर वाला सन्यासी दिखाई दिया। उसके चेहरे पर अपूर्व शांति झलक रही थी। उसके चेहरे और आंखों पर बम काली
स्वम काली। ऐ नरकंकाल मेरी बात ध्यान से सुनो, दूर रहो दूर रहो, उसे आने के लिए मार्ग दो। आओ आओ वत्स, आओ आओ गोपाल, आओ पास आओ। प्रणाम साधु महाराज। अरे तुम तो बहुत साहसी हो बेटे। मेरे पास डरने वाली बात बहुत कम है साधु महाराज। बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारी दृढ़ता और साहसिकता का पुरस्कार देना चाहता हूँ। आओ आओ मेरे पास आओ। आओ जी हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। वत्स, मंत्र तुम्हें अच्छी तरह याद है तो? जी हाँ साधु महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलना शुरू करूं? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं, भूल कर भी नहीं। अपने इष्ट देव को मन ही मन याद करके जीवन में केवल एक बार ही इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, दोबारा नहीं। पहली बार उच्चारण करने से क्या होगा महाराज? पहली बार उच्चारण करते ही यह मंत्र अपना काम शुरू कर देगी। कार्य समाप्त होते ही यह मंत्र तुम्हें छोड़कर मेरे पास वापस आ जाएगी। वत्स, इस मंत्र के उच्चारण से तुम्हारे इच्छित देव तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। इस मंत्र का उच्चारण तुम दोबारा नहीं कर सकते हो। हम काज। गोपाल, गोपाल, अरे गोपाल, 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 नेपाल अंदर ही चलो, देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलिए पंडित जी चलिए। अरे गोपाल, गोपाल, अरे गोपाल, बदमाश गोपाल, कहाँ छुप कर बैठा है गोपाल? हाँ, अरे गोपाल, गोपाल, अरे गोपाल। नेपाल चाचा, वो है आपका बेटा गोपाल। अरे 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 अरे, वो तो गोपाल, वही गोपाल, वाह वाह, वाह है गोपाल, वो देखो गोपाल है। अपनी आंख दिखाओ तो। लगता है गैस है। कुछ दिनों तक डाब का पानी, निरामिष बिन मसाले वाले भोजन इनको खिलाना पड़ेगा। नेपाल बोलिए कविराज। गोपाल की हालत शाम को जरूर बताना। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। नेपाल, कविराज महाशय कुछ भी कहें, लेकिन तुम एक बार मेरे पिताजी को जरूर बुलाना। नेपाल, कविराज महाशय कुछ। हाँ हाँ, वो पंडित जी ठीक ही बोल रहे हैं। कुछ भी हो जाए, पहले तो वो शमशान ही था ना। और उस ऊंचे टीले पर बैठकर चांद बाबा साधना करते थे। ठीक है, जब हम लोगों के साथ साथ पंडित महाराज जी भी कह रहे हैं तो चलो मैं जाकर साधु बाबा को ले आऊं। चल रे रोहन। मैं भी एक पैर पे तैयार हूँ। क्यों चाचा? ओम ह्रीं ब्रीं क्रीं ब्रीं स्वाहा। ओम अग्निदेव स्वाहा। ओम चमुंडाए स्वाहा। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। हाँ महाशय लोग, भूत के लक्षण कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लग रहा है कोई दिव्य ज्योति घर के चारों ओर चक्कर लगा रही है। क्या बोल रहे हैं तांत्रिक जी? पवित्र ज्योति? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे?
यह तांत्रिक ओझा कभी झूठ नहीं बोलता। रात में कल क्या घटना घटी थी क्या आप लोग जानते हैं? इस घटना का पता लगाना है। तांत्रिक जी, जो हुआ है मेरे बेटे के साथ वो, हाँ क्या हुआ है क्या नहीं वो तो मेरा बेटा ही बता सकता है साफ साफ। तांत्रिक जी, कहाँ है वह? सोया हुआ है। क्या ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है ना, इसीलिए सोया हुआ है। ठीक है, तुम मुझे वही ले चलो। चलिए 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 बाबा जी। ओ गोपाल, उठो उठो, बाबा जी को प्रणाम कीजिए। रहने दो रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं। गोपाल, कल क्या हुआ था बताओ तो। दोपहर के समय मैं शिव मंदिर के सामने खड़ा था। मंत्र, देव सम्मोहनी मंत्र। अरे तुम तो धन्य हो गए गोपाल, अरे धन्य हो गए। चांद बाबा के आशीर्वाद के साथ साथ तुम्हें देव सम्मोहन मंत्र मिला, तुम चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हो गोपाल। तभी तो मैं सोचता हूँ यह पवित्र दिव्य ज्योति कहाँ से आई। तो अब मैं चलता हूँ गोपाल। आपका दक्षिणा दक्षिणा। नहीं नहीं नहीं, अब कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं उस टीले के पास जाकर चांद बाबा की समाधि पर बैठकर साधना करूंगा, जिससे चांद बाबा का थोड़ा सा आशीर्वाद मुझे भी मिल जाए। तो अब मैं चल रहा हूँ। सब कुछ तो समझ गया गोपाल, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई बुद्धि नहीं दिखती है। अब होगी असली कहानी, अर्थात मुझे किस प्रकार बुद्धि मिली। इस घटना के बाद कुछ दिन बीत गए। मैं नियमित विद्यालय जाता हूँ, मन से पढ़ाई लिखाई करता हूँ। गांव में मैं सबके लिए सुबोध बालक बन गया हूँ, और इसी के साथ साथ चांद बाबा का दिया हुआ मंत्र भी भूलते जा रहा। वर्षा समाप्त हो गई, बादल छट गए और आकाश नीला हो गया, और आ गया माँ के पूजा का समय। और उसी समय दोपहर में मैं विद्यालय से घर वापस आ रहा था, और आते हुए देखा एक व्यक्ति तस्वीर दिखा दिखा कर गाना गा रहा था। गाने का विषय था महिषासुर वध। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमो तस्मै नमो तस्मै नमो तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमो नमः। तस्वीर में ब्रह्मा को देखकर मैं व्याकुल हो गया। मैं सोचने लगा यदि एक मनुष्य के चार हाथ चार सिर हो तो उनका असली रूप कैसा होगा। मैं सीधे दौड़े दौड़े नदी के किनारे पहुंच गया। कोई नहीं है, बिल्कुल निर्जन है। चलो अब मंत्र पाठ करूं। ओम ह्रीं देवताये नमः, ओम विश्व परिपानाय ते नमः, ओम ब्रह्मा देवताये नमः, ओम मंत्रो रोज बंधनाये नमः, ओम देवताये नमः। प्रणाम साधु महाराज। आयुष्मान भव। वत्स, ब्रह्मा विष्णु देवादि देव महादेव आदि देवताओं को छोड़कर अन्य समस्त देवताओं का भी इस मंत्र द्वारा आह्वान कर सकते हो। ठीक है साधु महाराज, तो अभी मैं किसका आह्वान करूं?
आश्विन का महीना है, दुर्गा पूजा का समय है। ठीक है, चतुर्मुख ब्रह्मा को नहीं देख सकता, लेकिन 10 भुजाओं वाली माँ दुर्गा तो देख सकता हूँ। वही ठीक है। ओम ह्रीं देवताय नमः। ओम विश्व परिपानाय ते नमः। ओम दुर्गा देवी नमः। ओम मंत्ररोज्य बंधनाय नमः। ओम देवताय नमः। बोल पुत्र, किसलिए मुझे बुलाया है? माँ, एक साथ 10 हाथ वाले मनुष्य मैंने नहीं देखा, इसलिए सोचा एक बार आपका दर्शन करूं, इसीलिए आह्वान किया। ये मुझे बुलाया है? बिना वर दिए मैं तो जा नहीं सकती। क्या वरदान दोगी माँ? अमरत्व। फिर वो नहीं दे सकती, क्योंकि मनुष्य होकर जन्म लिए हो तो मरना तो पड़ेगा ही, मगर हाँ एक वर दे सकती हूँ। मेरे हाथ में है मधु, इस मधु को पान करने से तू बहुत ही ज्ञानी हो जाएगा। और इस हाथ में है मेरे दूध, इस दूध को पान करने से अर्थ प्राप्त करोगे। अब तुम सोचो, दूध पीना है या मधु, तू कौन सा पिएगा? माँ, मैं बहुत गरीब हूँ, दूध या मधु कोई नहीं देखा, इसलिए दोनों को ही एक साथ देखना चाहता हूँ। ले फिर। लेकिन माँ, दोनों को एक साथ देखूंगा तो इससे इनके गुण नष्ट तो नहीं हो जाएंगे ना? ना। ठीक ठीक है माँ। सचमुच अमृत है माँ। क्या किया तू? क्या किया गोपाल? क्यों माँ, भूल तो कुछ नहीं हुई? सोच कर देखो माँ, ज्ञान के बिना अर्थ और अर्थ के बिना ज्ञान दोनों पूर्ण रूप से असंपूर्ण है, इसलिए इन्हें मैं संपूर्ण रूप में ग्रहण किया। तू तो अपना अर्थ तोड़ दिया। कैसे माँ? को एक साथ देखूंगा बोला था। हाँ माँ, यह तो मैं बोला ही था, आँख से देखूंगा या चक कर देखूंगा, यह तो नहीं बोला था ना माँ, इसलिए मैंने अपनी शर्त नहीं तोड़ी। अति उत्तम, तू बहुत ही बुद्धिमान है, मैं तो बहुत ही संतुष्ट हूँ गोपाल। मैं तुझे वर देती हूँ, तू बुद्धि सद्बुद्धि से अपना नाम रोशन करेगा, इतिहास में तेरा नाम जाना जाएगा। इसके बाद से ही हम लोगों का गोपाल बहुत बड़ा ही बुद्धिमान हो गया है। बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो महाराज के पास से हीरे जवाहरात सोने चांदी असरफियां आदि पा रहे हो गोपाल। वह भी ठीक है। अच्छा, और एक प्रश्न करता हूँ। करो। चांद बाबा के कथनानुसार मंत्रोच्चारण के बाद तो तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए, लेकिन याद किस प्रकार से है? वही माँ का दिया हुआ वरदान है, वही दिमागी शक्ति। मंत्र भी तो निश्चय ही याद होगी। है कुछ कुछ, बहुत ही कठिन संस्कृत के शब्द है, इसीलिए। तुम्हें याद तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इतिहास में अवश्य ही नाम करोगे, लेकिन एक धोखेबाज और मिथ्यावादी के रूप में। ठीक है, मैं चलूं। Ha 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 ha